पर जहां तक कल के फंड एक्शन का सवाल है, एफआईआई की बिकवाली में कोई रोक नहीं लगती हुई दिखी है। देखिए कैश मार्केट्स में फिर से एफआईआई ने लगभग 2300 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है कल के सेशन में। तो जो भारी बिकवाली का कैश में एफआईआई का रुझान चल रहा है वो मेंटेन्ड है। वहीं डीआईआई से थोड़ा सहारा आते हुए दिखा है, लगभग 550 करोड़ की खरीदारी जरूर करी है बट पूरा सहारा देने के लिए नहीं है। एफएनओ में भी देखेंगे तो 650 करोड़ की आप खरीदारी का फिगर देखेंगे बट इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में बड़ा खरीदारी का फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में बिकवाली ही हुई है एफआईआई की तरफ से। तो आइए इस डेटा को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। आज के लिए अहम क्यूज क्या रहेंगे और कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर, बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल सर, लगातार 3 दिनों से कोरोना के मामले गिर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में राहत के संकेत आ रहे हैं, देखना पड़ेगा ये वीकेंड के बाद जो टेस्टिंग में गिरावट होती है उसका असर है या एक्चुअल में हम केस गिरते हुए देख रहे हैं, बट कैसे समझे इधर सर, और सामने एफआईआई की तरफ से जो बिकवाली लगातार चलती आ रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? गुड मॉर्निंग दीप, देखिए संकेत वैसे आज बेहतर है और जैसा एसएक्स दिखा रहा है उससे तो बेहतर ही है एक्चुअली, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि दो चीजें, एक तो पूरे देश भर में लगातार 3 दिन मामले कम होना और साथ ही मुंबई में 3000 से नीचे, महाराष्ट्र में 50,000 से नीचे, थोड़ी रिलीफ वाले है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट यही कर सकते हैं कि जब मामले बढ़ रहे थे तब भी कौन से बाजार गिर रहे थे, तो अब इस वजह से बढ़ने नहीं चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये रिलीफ देने वाले आंकड़े हैं। और दूसरा, अमेरिका में उम्मीद से बेहतर तेजी होती हुई दिखी है तो वो एक अच्छा संकेत है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। अब रहा सवाल एफआईआई के आंकड़ों का, जो आप अभी बता रहे थे कि फिर से उन्होंने दमदार दिखवाली की है कल के सेशन में, लेकिन एक तरह से बात वही है कि दमदार दिखवाली करने के बाद एफआईआई की लॉन्ग पोजिशन और निचले स्तर पर आ चुकी है, साथ ही पुट कॉल रेशियो जस्ट का तस मेंटेन है। तो ऐसे में 100% निचले स्तरों से आपको खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो आप बस ये दुआ कीजिए कि जितना नीचे एसजेक्सी दिखाए और जितना नीचे बाजार खुले गैप से, उतना ही जल्दी और उतना ही बड़ा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। सुस्त खुले तो फिर दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदारी के रुझान के बायस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन निफ्टी में तेजी की तरफ आपका व्यू रहना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपका तेजी की तरफ होना चाहिए। कैश मार्केट के स्टॉक में दीप आज भी मुझे लगता है भरपूर एक्शन रहेगा। तो अब आज के लिए मैं रेंज दे दूँ, थोड़ी सी बड़ी वाली रेंज इसलिए आज से दे रहा हूँ कल के और शुक्रवार के एक्शन को देखते हुए, 14,425-14,475 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, उससे पहले 14,550 तुरंत सपोर्ट है, पहले तो वही नहीं टूटना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल मजबूत सपोर्ट रेंज है वो 14,425-14,475। अब आइए हायर रेंज 14,725-14,775 की बनती है, एक बार आप 14,675 को पार करेंगे तो। बैंक निफ्टी में 31,932-31,150 ये 250 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर है, तो 32,700-33,000 ये हायर रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवल और रेंज पर आपको रखनी है नजर, सिंपल है जी, लॉन्ग साइड पर निफ्टी और आपके लिए स्टॉक कैश वाले मेटल, शुगर, फार्मा, एफएमसीजी यहाँ पर है, और अगर आपको मंदी करने का मन हो और बाजार कमजोर होता दिखे तो आपको ऊपरी स्तरों पर बैंक, एनबीएफसी यहाँ पर हल्की फुल्की शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन ये भी बैंक भी कभी भी रिबाउंड कर सकते हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत।